राजस्थान में बेकाबू हो रही कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कारण कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया। कैलाश त्रिवेदी भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। त्रिवेदी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हाल ही में उन्हें वहां भर्ती करवाया गया था। सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए कांग्रेस के दिग्गज नेता कैलाश त्रिवेदी को करीब 1 महीने पहले कोरोना हुआ था। संक्रमित होने के बाद पहले उन्हें भीलवाड़ा और बाद में जयपुर में भर्ती कराया गया था, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ती हालत के बाद उन्हें 5 दिन पहले ही गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया था। वहां भी उनकी हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे उनका निधन हो गया। विधायक त्रिवेदी को राजनीति विरासत में मिली थी। पिता के बाद राजनीति की विरासत कैलाश त्रिवेदी ने संभाली और प्रधान बने। इसके बाद पहली बार 2003 में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद एक बार हारने के अलावा लगातार सहाड़ा की जनता से उनका समर्थन किया और उनको जिताकर विधानसभा भेजा। दिग्गज नेता कैलाश त्रिवेदी के निधन से सहाड़ा विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच शोक की लहर छा गई है।